शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस तरह के सेंटेंसेस को ना बोलता हो, जैसे मौत लापरवाही का वजह था, या मौत गलत इलाज का वजह था, आतंकवाद युद्ध का वजह था, बीमारी उसकी लापरवाही की वजह थी, तलाक उसके गलत आदतों की वजह थी। तो आइए फ्रेंड देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इजारम का इस्तेमाल करें, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉच वर्ब का इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लिखें द कॉज ऑफ, फिर आप उस वर्ड को लिखें जो हुआ, जैसे लड़ाई, मौत, गलत आदत। आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो पेट्रोल उस लड़ाई की वजह थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पेट्रोल वॉज द काज ऑफ दैट वार, यानी उस जंग या युद्ध की वजह पेट्रोल थी, या पेट्रोल उस लड़ाई की वजह थी, गलत दवा उसकी मौत की वजह थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रॉन्ग मेडिसिन वॉज द काज ऑफ हिज डेथ, यानी गलत दवा उसकी मौत की वजह थी। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लिखा रॉन्ग मेडिसिन यानी गलत दवा, उसके बाद मैंने लिखा वॉज क्योंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में था, फिर मैंने लिखा द कॉज ऑफ, उसके बाद मैंने वो वर्ड लिखा जो हो गया, यानी मैंने लिखा हिज डेथ उसकी मौत, आतंकवाद उस युद्ध की वजह थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेरोरिज्म वॉज द कॉज ऑफ दैट वॉर, यानी आतंकवाद उस युद्ध की वजह थी। अगर आपको कहना हो बीमारी की वजह उसकी लापरवाही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इलनेस इज द काज ऑफ हिज केयरलेसनेस, यानी बीमारी की वजह उसकी लापरवाही है। ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का है, इसलिए मैंने वॉच की जगह पर लिखा इज, जिसे आप देख सकते हैं। तलाक उसके गंदे हरकतों की वजह थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिवोर्स वॉज द काज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, यानी तलाक उसके गंदे आदतों की वजह थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप इस तरह के बात करते हैं तो कई बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ जाता है, जैसे तलाक की कोई वजह नहीं थी, या परेशानी की कोई वजह नहीं थी, लड़ाई की कोई वजह नहीं थी, मौत की कोई वजह नहीं थी, दुश्मनी की कोई वजह नहीं थी, शिकायत की कोई वजह नहीं थी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलना चाहें जहां आप कहें कि किसी काम का कोई वजह नहीं था को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे देयर वॉज नो कॉज फॉर। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे मैंने बोला फा जबकि मैंने पहले टॉपिक में बोला था ऑफ। अक्सर लर्नर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपको कहना हो कि इसका ये वजह था तो आप वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपको कहना हो कोई वजह नहीं था तो आप ऑफ के जगह पर फा का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो तलाक की कोई वजह नहीं थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर वॉज नो कॉज फॉर डिवोर्स, यानी तलाक की कोई वजह नहीं थी, शिकायत की कोई वजह नहीं थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर वॉज नो कॉज फॉर कंप्लेन, यानी शिकायत की कोई वजह नहीं थी, घबराहट की कोई वजह नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज नो कॉज फॉर नर्वसनेस, यानी घबराहट की कोई वजह नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।